फॉक्स न्यूज की तरफ से किए जा रहे इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर के बारे में बता रही हूं। ट्रंप ने चुनाव जीता और जिस तरीके से इस वक्त ये सामने आ चुका है रिजल्ट, उस आधार पर यह दावा कि कमला हैरिस हार चुके हैं, ट्रंप 47वें यूएस राष्ट्रपति। फॉक्स न्यूज की तरफ से यह साफ तौर पर कह दिया गया है अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप। और मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, कमला हैरिस की हार और डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर यह दावा जहां ट्रंप 47वें यूएस राष्ट्रपति होंगे। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने एक बार फिर से अपना ऐसा जनादेश दिया है जिससे एक बड़ा संदेश भी दिया है कि अमेरिका को क्या चाहिए। और बहुत कुछ बदल गया है। चार साल पहले इसी जगह पर जहां से मैं इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा हूं, यहां का नज़ारा कुछ और था। तब ब्लैक लाइव्स मैटर के आंदोलन चल रहे थे, तब बाइडेन के समर्थन में सड़कों पर लोग घूम रहे थे। आज सड़क पर सन्नाटा है, आज चारों तरफ व्हाइट हाउस के आसपास सन्नाटा बिखरा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि जो चार साल का एजेंडा था वो फेल हो चुका है। देखिए ये बात तो सच है कि बाइडेन ने जो कुछ किया है, बाइडेन और हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी है, उसने ना केवल अमेरिका के हितों को प्रभावित किया बल्कि अमेरिका के अलायंस को भी बेहद प्रभावित किया। आप सोचिए, कई सौ बिलियन डॉलर युद्ध में लगाए गए। मैसेज क्या था? मैसेज ये था कि इसका फ़ायदा किसे मिलाया जाए। इसका फ़ायदा दिया गया हथियार की कंपनियों को। हथियार की कंपनियों से चंदा किसे मिल रहा था? बाइडेन और हैरिस को मिल रहा था। और इसीलिए हथियार की कंपनियों को आगे बढ़ाया गया। और इस तरह के एजेंडे के बाद अमेरिका का जो डिफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा और घाटे में होने की वजह से टैक्स लगाने की बात आई। तो इसी बात को ट्रंप ने घर घर तक पहुंचाया कि देखो जी, वो तो जेलेंस्की को पैसा दे रहे हैं लेकिन उसका पैसा तुम्हारी जेब से लिया जाएगा। ये बात उनके घर में, उनके दिमाग में, सॉरी टू बट इट, लेकिन अमेरिका नो डाउट ना इस ग्लोबल सिनेरियो में, क्या ट्रंप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अब श्रिंक करना चाहते हैं? क्योंकि अब आप और हम जब जब चर्चा करते हैं, हम ये देखते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेटेजिकल पार्टनर होते हुए एक बड़ा सपोर्ट अमेरिका देता है। लेकिन इस बीच ये तस्वीर इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर है जहां पर आप देखिए किस तरीके से अब ट्रंप के हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं इलॉन मस्क। और आज इलॉन मस्क जिस तरीके से बार बार पोस्ट करते जा रहे हैं, उसमें उन्होंने क्रिस्टल क्लियर जीत को लेकर भी पोस्ट किया। और ये फिलहाल ट्रंप हेडक्वार्टर पहुंचे इलॉन मस्क का ये जो वीडियो, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले उनकी एक तस्वीर सामने आई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि किस तरीके से आने वाला भविष्य तय हो चुका है अमेरिका का। और फिलहाल आपको बता दें, कुछ ही देर में जहां पर ट्रंप का संबोधन होना है वहीं पर इस वक्त इलॉन मस्क पहुंच चुके हैं। और इलॉन मस्क द फ्यूचर इज गोइंग टू बी हॉट ये तस्वीर के साथ लिख चुके हैं। और उन्होंने ये भी साफ तौर पर कह दिया कि किस तरीके से क्रिस्टल क्लियर मैंडेट के साथ डोनाल्ड ट्रंप यूएस राष्ट्रपति के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए आज एक बार फिर से यूएस राष्ट्रपति बनने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट ये, अमेरिका इज अ नेशन ऑफ बिल्डर्स, सून यू विल बी फ्री टू बिल्ड, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट इलॉन मस्क की तरफ से किए गए हैं।